खाने हैं फॉर अ फैशन इलस्ट्रेशन। और ये देखिए 52 पेन के सेट्स हैं और इसमें पूरे 52 कलर्स हैं और इसके जो इफ़ेक्ट होते हैं गाइस अमेजिंग। और डेफिनेटली हाउ टू यूज़ दिस पेन, ये मैं बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगी स्पेशली इस पेन के सारे कलर इस्तेमाल करके, और आप लोग सीखेंगे कि हम कितने शिद्दत से अपने एक एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग अ कंप्लीट प्रोसेस। और हमें देखिए, मैंने पहले भी ये पेन यूज़ किया हुआ है और मुझे ये बहुत पसंद है और हमेशा मैं एक स्टॉक में भी रखती हूँ। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है गाइज़ कि हमें हमेशा पता होना चाहिए कि जो भी नए मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, लाइक दिस पेन, ब्रश पेन इज सुपर स्मूथ। और आपने देखा होगा कि रेड कलर का इफेक्ट कितना प्यारा है इस पेन का यूज़ करके। गाइज़ अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं और आप फैशन डिज़ाइनर बनना चाह रहे हैं तो आपको तमाम मटेरियल का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अब ये देखिए, ये मैंने 12 का सेट लिया है वाटर कलर का और इसके भी टेक्सचर्स और कलर बहुत अच्छा। ये है जैपनीज़, पहले भी मैंने बताया था, एक्चुअली ये मेरे पास फिनिश हो गए थे तो अगेन मैंने ऑर्डर से मंगवाया है। और ये है नया ब्रांड्स का वाटर कलर है, ये 24 का सेट है और ये थोड़ा कॉस्टली, ये 4000 का है। सो अगर आप स्टार्टिंग में सीखना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप बेसिक कलर यूज़ करें। कैमलिन का आई थिंक 200-300 के रेंज में मिल जाता है, बट अगर आप प्रोफेशनल फैशन इलस्ट्रेशन बनाना चाह रहे हैं तो आप इस ब्रांड का ज़रूर वाटर कलर इस्तेमाल कीजिए। दैट इज़ द लुक ऑफ फैंटास्टिक। और मुझे आई एम मैड अबाउट दैट डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल इज लाइक वाटर कलर, ब्रश पेंट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स इज लाइक एक्रेलिक कलर, ग्लिटर कलर और डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स, तो मुझे बहुत पसंद है। अभी मैंने कुछ और भी ऑर्डर किया है, आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। ये डायरी है राइट, बहुत ज़रूरी है, आप सभी के पास होना चाहिए। देखिए, एक तो है लाइन वाली डायरी जो मैं इसमें नोट्स बनाती हूँ और अपनी शेड्यूलिंग फाइन करती हूँ, क्योंकि आई हैव अ बिजी शेड्यूल्स और बहुत सारे बच्चों के साथ मुझे क्लासेस मैनेज करना पड़ता है। और ये है मेरी फेवरेट, और ये इसका जो सीक्रेट है कि ये बिल्कुल प्लेन है और मैं अपने जब भी मन होता है मेरे पास रहती है ये, और मैं इसमें फैशन इलस्ट्रेशन बनाती हूँ, ट्रैवल आर्ट बनाती हूँ। तो आप लोग भी ये दो तरह की डायरी ज़रूर मेंटेन कीजिए। गाइस, एक पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं सो फील लाइक अ फैशन डिज़ाइनर। अब हमने यहाँ पर कुछ वाटर कलर के लिए शीट भी मंगाई है जो A3 शीट्स हैं, इट्स नॉट यूज फॉर वाटर कलर। और ये मेरा टेबल है गाइस, पहले भी शेयर किया हुआ था, और ये आउटसाइड में बहुत सारे बर्ड्स आते हैं। आई जस्ट लव टू शेयर कि मैं आप लोगों को अपने कुछ फ्रेंड्स लोगों से मिलवाऊँ, अभी तो खैर है नहीं बट थोड़ी देर में आने वाले हैं। यहाँ पे मैं बहुत सारे दाने डालती हूँ और जब भी मैं यहाँ पे मॉर्निंग बैठती, मेरा शेड्यूलिंग है 6 o'clock समथिंग में अपने टेबल पर होती हूँ, और आई लव टू स्पेंड टाइम हेयर और मुझे बहुत मज़ा आता है इस प्लेस में अपने क्रिएटिव थाट्स को इम्प्लीमेंट करना, अपने क्रिएटिव थाट्स को डायरी पे उतारना, अपने क्रिएटिव आर्ट्स के बारे में। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने शीट मंगवाया है, इसमें टेक्सचर्स बहुत अच्छे आते हैं। और डेफिनेटली ये शीट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इसमें कैसे इलस्ट्रेशन मैं बनाऊँगी वो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ ग्लिटर्स भी ऑर्डर किए हुए थे। अभी आप लोगों की क्लासेस में इसके इफ़ेक्ट्स कैसे लाते हैं ये मैं आप लोगों को शेयर करूँगी जब आप लोगों का लाइव क्लास होगा। फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच, थर्ड बैच एंड 1 year एंड 6 month वाले स्टूडेंट्स, इन ऑल माय स्टूडेंट्स जो भी फैशन डिज़ाइनिंग सीख रहा है, कहीं भी सीख रहा हो, उन सब के लिए वीडियो है। देखिए, मैं 1 by 1 शेयर करती हूँ। ये दो तरह के पाउडर्स अवेलेबल हैं, एक तो आपको इस तरह से मिलेगा पाउडर बेस में राइट, और एक ग्लिटर्स मिलेंगे स्टार बेस में। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि पाउडर बेस भी है, ग्लिटर ये देखिए स्टार बेस में है, और इन तमाम मटेरियल का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे फैशन इलस्ट्रेशन बनाने के लिए ये मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी 1 by 1। गाइस, मैंने हमेशा देखा हुआ है कि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन बनाते हैं, और डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगी कि बहुत शिद्दत से आप स्टडी करें जहाँ भी कर रहे हैं, और अपने सपने को हमेशा अलाइव रखिए, नेवर गिव अप वाला हमेशा पॉइंट याद रखिए ज़िंदगी में।
और कभी भी हिम्मत नहीं हारिए। और भी एक चीज़ बोलना चाहूँगी नेगेटिव पीपल्स, थैंक यू सो मच फॉर योर नेगेटिव कमेंट्स, आई लव यू यार, आप लोग तो मेरे में एनर्जी भरते हो। खैर छोड़ो सेकेंडरी। और मैं ये बोलना चाहती हूँ अपने तमाम स्टूडेंट्स की कि आप अगर मार्केट में अवेलेबल है, सराउंडिंग में, स्टेशनरी शॉप में, तो डेफिनेटली ये मटेरियल का एक बार इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, दैट ऑल इज़ रीज़नेबल गाइस। और मैं आप लोगों से हमेशा कहूँगी कि अपने वर्क में, अपने काम में डिफरेंसेस एंड डिफरेंट स्टाइल लाइए। सो यहाँ पे रुक के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ डिटेल्स, लाइक हमारा इंस्टीट्यूट किस तरह से वर्क करता है, कितने तरह के कोर्सेज हैं, कितने तरह के सिलेबस हैं। ये तमाम सिलेबस देखिए यहाँ पे, एलिमेंट ऑफ डिज़ाइंस, फंडामेंटल्स ऑफ डिज़ाइंस, राइट, फैशन इलस्ट्रेशंस, फैशन अप्रोचेस, टेक्सटाइल्स, बेसिक स्टिचिंग टेक्निक्स, इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन टेक्सटाइल एंड इंडियन एम्ब्रॉयड्री। और ये तमाम आप सीखेंगे हमारे साथ वन बाय वन आर्ट इन डिज़ाइंस बाय मिराज के साथ। एंड ये देखिए शॉर्ट टर्म्स कोर्सेज भी हैं जो हम प्रोवाइड कराते हैं, फैशन रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग है, फैशन स्टाइलिंग है, मॉडलिंग है, राइट, डिजिटल मार्केटिंग है, बैक स्टेज मैनेजमेंट है, पेंटिंग है, बहुत सारे कोर्सेज हम आर्ट एंड डिज़ाइंस बाय मिराज में ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। डू यू हैव अ ड्रीम्स लाइक दैट, सो शुड बी ज्वाइन अस एंड मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू विथ अस। सो गाइज अब हम आते हैं इलस्ट्रेशंस पर। तो हम देखिए बेसिक अगर आप इलस्ट्रेशंस बनाना चाह रहे हैं तो पहले ज़रूरी है 10.5 का एक स्ट्रेट लाइन लिया जाए।